आज हम बात करेंगे अपेयरेंस के अंदर मौजूद बाकी ऑप्शंस के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपेयरेंस के अंदर मौजूद बाकी ऑप्शंस के अबाउट, उन ऑप्शंस का क्या यूज है और उनका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और उनके बारे में मजे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपेयरेंस के अंदर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास, हमने थीम्स के अबाउट बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कशन की है, कस्टमाइजेशन के अबाउट हमने डिस्कशन की है, विजेट्स के अबाउट हमने बात नहीं की, मेन्यूज के अबाउट हमने डिटेल में डिस्कशन किया, आस्ट ऑप्शंस को हम अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम जो भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस हमारे मेन्यू के अंदर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने आस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया हुआ है, उस वजह से यहाँ पे आस्ट्रा के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ पे हमारे पास है थीम फाइल्स एडिटर। तो हम यहाँ पे विजिट्स की बात कर लेते हैं जो कि रह गए थे। तो विजिट्स बेसिकली हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एरियाज पे हम अपने विजिट्स को शो करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये मेन साइड बार है, ठीक है। इस साइड बार के अंदर रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स और कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं अपनी पोस्ट को ओपन करके देखूं, तो यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर हमारे पास रिसेंट पोस्ट, कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज शो हो रही हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि आर्काइव्स मुझे नज़र ना आए, तो यहाँ पे आप विजिट्स में आके इस आर्काइव के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव एंड देन रिमूव, राइट। आपने कम्प्लीटली रिमूव किया, अपडेट किया, अब आप इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें आर्काइव देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इनको हम विजिट्स कहते हैं, यहाँ पे आर्काइव चले गए। कैटेगरीज मज़ीद हमें रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके इसको मैं रिमूव हेडिंग और इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कैटेगरीज, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें राइट साइड बार पे विजिट्स जो हैं वो हमारे गायब हो जाएंगे। तो बेसिकली विजिट्स कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको आप साइड बार्स में लगा सकते हैं, फुटर में लगा सकते हैं, हेडर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हर तरह के विजिट्स मौजूद हैं, हेडर के विजिट्स मौजूद हैं, राइट, फुटर के विजिट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो विजिट्स होंगे हर थीम के डिफरेंट होंगे और उस थीम के मुताबिक होंगे, उस थीम के अंदर जितनी एरियाज हुए, जितनी जगह हुई विजिट्स को ऐड करने की, तो उन जगहों पे आपको यहाँ पे विजिट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आस्ट्रा हमने थीम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जैसे यही विजिट्स हैं जहाँ जहाँ जिन जिन सेक्शंस के ऊपर हम विजिट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फुटर के अंदर मैं विजिट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, हेडिंग कोड गैलरी। लेट्स सपोज मैं गैलरी चूज़ करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं डिफरेंट इमेजेस जो है वो अपलोड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, इनको अपलोड होने के बाद इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और अब अगर मैं रिलोड करूँ तो फुटर के अंदर ये विजिट्स शो होने चाहिए, यहाँ पे शो नहीं हो रहे। मैं होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे भी वो जो विजिट्स हैं वो शो नहीं हो रहे। हमें प्रोबेबली यहाँ पे इनकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, फुटर बार सेक्शन, तो बेसिकली अभी यहाँ पे कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे और मैं इसको मज़ीद अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि आगे जाके मैं इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि विजिट्स क्या होते हैं और विजिट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्च बार भी एक विजिट है जो कि हमने प्राइमरी राइट साइड बार पर यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।